सुजानपुर टीहा में पुलिस के पहरे के बीच गाड़ियों के पास चेक करके ही बाजार में लोग आवाजाही कर सकते हैं। मंगलवार को खाकी के द्वारा मुख्य शहर के मुख्य कोनों पर वाहनों की आवाजाही पर चेक करके ही मुख्य मार्गों में गाड़ी को आने जाने दिया गया, जिसके लिए थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री द्वारा शहर के विभिन्न कोनों पर नजर रखी जा रही है। ब्यास पुल पर सुभाष शास्त्री द्वारा खुद ही मोर्चा संभाला हुआ है और बाहर से आने वाली गाड़ियों जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा के लोगों पर खासी नजर रखी जा रही है। सुजानपुर पालमपुर मार्ग पर ब्यास पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य जांच करके ही कांगड़ा में प्रवेश करवाया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग गाड़ियों के परमिशन चेक करके ही उन्हें जाने की अनुमति दे रही है। बाहर से लोग जो आ रहे हैं उसको किस तरीके से सुजानपुर पुलिस जो है भेजने का कार्य कर रही है और क्या मापदंड जो आपके माध्यम से अपनाए जा रहे हैं कोविड-19 के तहत? यहाँ पर जितने भी गाड़ियाँ, जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी डीएम साहब से परमिशन मिली हुई है, उनको उस परमिशन को चेक किया जा रहा है कितने आदमी को परमिशन मिली है, तथा यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा है, मेडिकल डॉक्टरों द्वारा भी उनकी जाँच की जा रही है और उसके बाद जो है उनको सोशल डिस्टेंस का बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। और इस वक्त तक लगभग 320-325 गाड़ियां यहां से परमिशन के बाद जा चुकी हैं जिला कांगड़ा में, और लगभग कोई 50 गाड़ी जो जिला मंडी सिंदूर के क्षेत्र को जा चुकी है। सर, आपको जो इसके दौरान कोई दिक्कत का कार्य सामना भी करना पड़ रहा है कि कोई परमिशन के बिना चला हुआ, तो आप क्या निर्देश, दिशा निर्देश आपके माध्यम से दिए जा रहे हैं? बिना परमिशन से किसी को जाने ही नहीं दिया जा रहा है, ना ही दिया जाएगा, जो कि हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, उनके निर्देश अनुसार उनकी पालना की जा रही है और कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन से दूसरे जिले में नहीं जा रहा है, ना जाएगा। सर, जो सुजानपुर के अंतर्गत कितने जो नाके हैं वो पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए हैं और उन पे कैसे कार्रवाई जो है पुलिस जो अमल में लाई जा रही है? सुजानपुर के बीच में लग दो नाके हमने लगा रखे हैं, ये तो परमानेंट नाका सुजानपुर ब्यास ब्रिज पुल के ऊपर लगा है और इसके अलावा हमने दुसरका के बीच में भी नाका लगा रखा है, उसके अलावा अन्य कर्मचारियों के साथ जगह जगह पर जाकर नाकाबंदी की जा रही है ताकि कोई आदमी बीच के रास्तों से कोई दुरुपयोग ना करे। सर, जो नाका आपके स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया है पुल के ऊपर, आप यहाँ सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या मापदंड यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं? सर, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो उसको फिर हॉस्पिटल में चेकअप कराया जाएगा। ऐसा भी कोई मामला आया अभी तक की? सर, फिलहाल तो सारे ठीक ही है, सिम्टम ठीक है और बढ़िया काम चला है। उधर उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के पास बनवाने के लिए हजूम लगा हुआ है।